राम राम भाइयों, सारे जो भाई हैं देखने वाले, उनको मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि लगातार जो प्रक्रिया चल रही है सैनिटाइजेशन की या और प्रक्रियाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं, उनका बड़ी अच्छी गहराई के साथ जाकर पालन करें और लोगों को एक अच्छा संदेश दें, ताकि दुनिया को पता चल सके भारत देश में जैसा मजबूती के साथ, मजबूत इरादों के साथ कार्य करने में जो देशवासी सक्षम है, उसी प्रकार औरों को भी हमारे से सीख लेने में मिले। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इटली जैसे देश जो विश्व में जिसकी स्वास्थ्य सेवाएं 2 नंबर पे हैं, हमारे देश का नंबर 112वें नंबर पे है, लेकिन आज जो आंकड़ा देखेंगे 130 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या भारत देश में है, लेकिन 130 करोड़ की जनसंख्या के बावजूद लगता है, आज तक जो देखने में आया है कि उससे लगता है कि हमने इसके ऊपर शायद काबू पाने की पूरी कोशिश की है, जिसमें पूरे भारत देश के जो निवासी हैं उन्होंने अपना भरपूर सहयोग दिया है। तो लगातार मैं आप सभी से भी यही अनुरोध करूंगा कि कम से कम अपने घरों से बाहर निकलें और अच्छा एक मैसेज दें, अपने बच्चों को समझाएं, बाहर जरूरी काम हो तो ही बाहर निकलें, वरना जो है ना हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक सख्त निर्देश दिया है, या तो आप अपने आप से मान जाओ क्योंकि आप अनुशासित आदमी हो, अगर आप नहीं मानते तो आपके लिए इलाज सिर्फ डंडा है। शायद मेरे हिसाब से ये जो बात है ये बहुत बड़ी बात है, डंडे का इस्तेमाल, डंडे का इस्तेमाल मजबूरी में करना पड़ेगा। आप सब से यही अनुरोध करूंगा कि कम से कम घरों से निकलें और बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को सुरक्षित रखें, जान है तो जहान है। 21 दिन प्रधानमंत्री जी ने मांगे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 18 दिन में महाभारत का युद्ध कंप्लीट हो गया था, लेकिन ये युद्ध है 3 दिन और चलेगा, ये महाभारत के युद्ध से भी बड़ा युद्ध है। तो कम से कम अपने घरों से निकलें और 21 दिन पूरे भारतवासी, हरियाणावासी खासकर मैं इनको संदेश देना चाहूँगा, जो भी अपने देखने वाले हैं उनको एक खास संदेश देना चाहूँगा कि कम से कम अपने घरों से निकलें और देश को सुरक्षित बनाने में अपना सहयोग करें। आज हमारे साथ जो भूमिका निभाई है, मेरे साथ जो कैमरामैन की भूमिका निभाई है भाई प्रदीप कुमार, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे साथ पूरे गाँव में निकले और लगातार अपना सहयोग दिया। ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है, ज़्यादा अफवाहों के ऊपर ध्यान ना दें, अफवाह ज़्यादा फैलती हैं, अपवाद कम होते हैं, बीमारियां कम होती हैं, लेकिन अफवाहों की ना सुन के अपने मन की सुने और अपने बच्चों के साथ घर में रहें, अन्य प्रक्रिया करें, जैसे खाना बनाने में घर में सहयोग करें, शायद आपने पहले कभी ना किया हो, घर की साफ सफाई में सहयोग करें, इसी प्रकार लगातार क्रिएटिविटी, बच्चों के साथ अपने घर पे खेल का नया आयाम स्थापित करें, ताकि बच्चे भी आपसे खुश हों और पता चल सके कि मम्मी पापा भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से मैं एक बार फिर यही कहूंगा, सुरक्षित रहें, अच्छी तरीके से रहें, घरों से बाहर ना निकलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।